नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल हमेशा ही शहर के चौक चौराहों पर नजर आ जाते हैं। कभी वह अपनी टीम के साथ साइकिल पर, कभी अपनी गाड़ी पर। आज भी कलेक्टर रजत बंसल अपनी टीम के साथ 3 सालों में हुए विकास का जायजा लेने निकल पड़े थे। जायजा लेने के बाद अचानक वह नगर निगम की बनी हुई चौपाटी पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ निगम संचालित आमचो बस्तर कैंटीन पहुंच महिलाओं से बातचीत की। वे जगदलपुर की जनता से चर्चा भी की, शहर में और क्या विकास होना चाहिए। चर्चाएं खत्म होने के बाद अचानक कलेक्टर रजत बंसल अपनी टीम के साथ बस्तर कैंटीन में बन रहे व्यंजनों का सभी ने स्वाद लिया। पहली बार देखने को मिलता है जब जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल हर उस जगह पर नजर आ जाते हैं जहां कोई भी कलेक्टर को नहीं देख पाता। अपनी टीम के साथ जब वह व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे, चौपाटी में सैकड़ों की संख्या में लोग निहार रहे थे। रजत बंसल ने बताया कि शहर में 3 सालों में जो विकास हुआ है, उस विकास कार्यों का जायजा लिया, लोगों से चर्चाएं की, आमचो बस्तर कैंटीन के व्यंजनों का स्वाद भी लिया। आज EDM CEO जिला पंचायत और पूरी टीम के साथ नगर निगम की हम लोग यहाँ पर चौपाटी पहुँचे हैं। हमारा जो आमचो बस्तर कैंटीन है, जो स्व सहायता समूह की महिलाएँ जिसको संचालित करती है, वहाँ पर खाने का भी हम लोगों ने स्वाद लिया और साथ में जो 3 साल की छत्तीसगढ़ मॉडल में प्रदर्शनी लगी है उसका भी हम लोगों ने किया और आम नागरिकों से चर्चा करते हुए उनके रोज़मर्रा के क्या अनुभव हैं, क्या शहर में और विकास चाहते हैं उसको लेकर